गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज देखिए मैक्सिकन पिटोनिया जो देसी वाला है ना, मैंने कटिंग लगाई हुई थी, बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है। और ये हाइब्रिड वाली हैं और दोनों मतलब बहुत अच्छे से खिलती हैं। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इसमें फूल नहीं आते हैं। बस क्या होता है ना कि इनके जो फूल होते हैं बस कुछ देर के ही लिए रहते हैं, जैसे कि 2 या 3 घंटे के लिए धूप जैसे निकलती है वैसे इनके फूल रहते हैं। तो ये वाला कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर इसे मैं कंपेयर करूँ तो ये कुछ ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं देखने में। वैसे दोनों ही बहुत अच्छे प्यारे कलर हैं। तो दोनों ही कटिंग से लगाई थी, इसका मदर प्लांट अलग नहीं लगा हुआ है। मैं बाद में आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब ब्लूम होने लगेगा। तो इस तरीके से अगर हम लगाते हैं ना तो अच्छा लगता है देखने में। आप ये किसी कटिंग तैयार कर सकते हो। तो आज बस ऐसे ही मैं गार्डन में बैठी थी तो मैंने देखा कि मतलब दोनों खिले हुए थे, तो मैं उससे शेयर कर दूँ आपके साथ में। और फ्रेंड्स, मैं मेरे गार्डन में बहुत दिन से मैं वेट कर रही थी कि ये फ्लावर खिले, फाइनली आज खिल भी गया। मैं वेट कर रही थी तो देखिए आज ये रजनीगंधा खिला हुआ है और इसकी खुशबू फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे, मतलब बस इसी की खुशबू फैली हुई है। सिंगल पेटल वाले हैं लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसकी और भी लंबी स्टेम चाहती थी, यहाँ से भी निकलती है, लेकिन अभी ये यहाँ से हो रही है। तो ये मतलब लगा हुआ मेरे यहाँ पर कम से कम 2 साल से लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट ब्लूमिंग है। फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में रजनीगंधा ब्लूम हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। और देख सकते कितने ढेर सारे लगे हुए हैं। तो ये भी एक स्टेम थी तो ये तो टूट गई, तो यहाँ पे नहीं ब्लूमिंग हो पाई, नहीं ऐसे ये भी जाती है, ऐसे करके जाती है। तो फाइनली आज ये ब्लूम हो गया है। अक्सर मैं दिखाती भी रहती हूँ आप लोग के साथ में, भी करती रहती हूँ, अपडेट देती रहती हूँ इसके बारे में। फाइनली आज ये ब्लूम हो गया है और इसको बल्ब से ही लगाया जाता है। देखिए कितने ढेर सारे ऐसे पौधे बने हुए हैं, इनको हम और भी मतलब अलग करके प्रोपोगेट कर सकते हैं। बट अभी तो बारिश आ गई है, अभी कर लगा सकते हैं अगर आपके पास बल्ब हो, उसे डिवाइड कर सकते हैं। मैं अभी नहीं करने वाली हूँ और क्योंकि अभी तो ऑलरेडी ये ब्लूम भी हो रहा है, कुछ छेड़छाड़ में करूँगी नहीं, तो यही ठीक है अभी। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ढेर सारे बना ही सकते हैं, जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं बहुत मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसी तरीके से नर्सरी में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे कलर पेटल भी इनके। आप येलो में भी रहते हैं, ये पिंक रहते हैं, वाइट में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। मल्टीपल पेटल वाले भी अच्छे लगते हैं, बट अभी तो मेरे पास सिंगल ही है। और ये देसी वाला इनका है जो खूब अच्छे से ब्लूम हो रहा है। मैं जब से नर्सरी से लेकर आई हूँ इसमें अभी तक इसमें ब्लूमिंग हो ही रही है और इसके सीड भी मतलब निकले हुए थे। देखिए इस तरीके से इसके सीड फलियाँ बनती हैं, तो इसके सीड भी हम कलेक्ट करके या फिर ऐसे इनको गमले में हम डाल दें तो फिर जर्मिनेट हो जाते हैं, उगाते हैं। मैंने डाला हुआ भी है और भी तो फिलहाल नहीं होगी, लेकिन कटिंग से अगर हम चाहें तो कटिंग कोई भी इसमें से लेके हम लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, वाइट कलर में है। यहाँ पे मेरे पास ये डार्क पिंक वाला भी है, ये भी हाइब्रिड वाला, ये देसी वाला है, ये हाइब्रिड वाले हैं, इनके भी हम कटिंग लगा सकते हैं। कहीं से इसकी स्टेम टूटी हुई थी, देखिए ये वाली टूटी है लेकिन फिर भी अच्छे से ये खिल रहा है। एक ये है, ये भी हाइब्रिड वाले हैं, यहाँ पे पिंक डॉट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये भी इस तरीके से भर भर के इसमें फूल आते हैं। इसकी भी हम चाहें तो कटिंग लगा के ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। मेरा तो 2 जीनिया का प्लांट अभी ख़त्म हो गया है, देखिए इस तरीके से अभी थोड़ा थोड़ा करके खिल रहे हैं। अभी बारिश आएगी ना उसके बाद में सही हो जाएंगे। फिलहाल अभी जो हैं वही काफ़ी हैं, येलो कलर का बहुत ही थोड़ा सा मतलब रेडी से इसमें ऑरेंज टच करके है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा जीनिया वाला खिल रहा है, 2 प्लांट मेरे जीनिया के ख़राब हो गए, सूख गए हैं। और यहाँ पे जड़ रोपा, ये भी हमेशा ब्लूम होता रहता है, जैसे विनका है हमेशा गार्डन में रहता है, ये भी अभी भी खिले हुए हैं, खिलते रहते हैं। जैसे ख़त्म होती है फ्लावर तो यहाँ से दूसरी कलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से इनकी कटिंग भी लगाना आसान है, जैसे ये यहाँ से है इनको यहाँ से हम तोड़ के लगा सकते हैं। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इनकी कटिंग लगाने की। वैसे मुझे बहुत पसंद आया ये, सस्ते में मुझे 20 रुपये में ये वाला प्लांट मिला था और जैसे मतलब प्लांट दिए तो वैसे इसका काम भी है। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है और
यहाँ पे बोगनविला भी ऑरेंज वाला मेरा खिलना शुरू हो गया, अभी स्टार्ट ही हुआ है ये फर्स्ट ब्लूम है जब से मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। और यहाँ पे एक दो करके चांदनी खिल रही है, ये भी अच्छी लगती है। तो ये सब पेटल चेंज हो गए हैं क्योंकि जब मैं लाई थी खिल रहे थे उस टाइम पे दूसरे तरीके से खिल रहे थे, अभी दूसरे तरीके से पेटल इसके हो गए हैं। बट कोई नहीं, फ्लावर आने चाहिए प्लांट में बस। वो बहुत इधर देसी वाले विंका है, सदाबहार है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ला के लगा दें। इसमें सीड मतलब ऐसे बनते गिरते रहते हैं, अपने आप खुद ब खुद उगाते हैं जहाँ पे गिरते हैं। कटिंग से भी लगा सकते हैं, सीड से भी आसानी से लग जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे प्लांट्स हो गए जहाँ जहाँ जितने लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये फ्लावर। ये तो आपके गार्डन में हमेशा ठंडी गर्मी बरसात हमेशा बने रहते हैं। और फ्रेंड्स मोगरे की बात करूँ तो मोगरा भी हमेशा गार्डन में मेरे बना रहता है, हमेशा खिलता रहता है। एक ख़त्म हुआ नहीं दूसरा तैयार हो जाता है खिलने के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं भर भर के कलियाँ भी आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी मोगरा भी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है यहाँ पे। और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स ये के फर्स्ट लव है, ये भी हमेशा इसी तरीके से कली आता रहता है, इसमें खिलते रहते हैं। अभी उस दिन पहले खिला हुआ था, फिर उसके बाद ख़त्म हुई, फिर से स्टार्ट हो गई इसमें ब्लूमिंग। तो ये भी बहुत मतलब थोड़ा महंगा आता है, लेकिन अगर फ्लावरिंग की बात करूँ तो ये इसमें बहुत आते रहते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है खिलने के बाद। और फ्रेंड्स अभी यहाँ पे गिलाडिया है जो थोड़ा सा कम हो गई इनकी ब्लूमिंग, बारिश शायद आए तो उसके बाद इसकी अच्छे से हो, अभी थोड़ा सी कम हो रही है। और ये देखिए ये येलो वाले हैं, रेड वाले हैं, रेड का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हो ये इस तरीके से आ गए हैं। और थोड़ा सा पेटल भी इनके चेंज हो गए क्योंकि जब मैं लगाई थी तो इस तरीके के पेटल नहीं थे, अभी थोड़ा सा चेंज हो गए हैं। तो गुलाडिया भी हो रहे हैं एक दो ब्लूम, बाकी तो मोस्ट रोज तो हो ही रहे हैं अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये वाले मुझे। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता इसमें जिस दिन फ्लावर नहीं आते हैं, मैं इस तरीके से भर भर के इसमें आते रहते हैं। तो इसको मैंने कटिंग से लगाया, और भी कटिंग से लगा के मैंने रखा हुआ है। तो आज की थी मेरी वीडियो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।